दोस्तों अभी हम आए हुए हैं एक हॉन्टेड स्कूल में। अब इस हॉन्टेड स्कूल में हम क्यों आए हैं मैं बताता हूँ। इस हॉन्टेड स्कूल में कुछ बच्चों वगैरह के कुछ पैकेट्स, कुछ टीचर ने कुछ पैकेट्स वगैरह छोड़ के गए होंगे ना, पैसे वगैरह की। वो पैसे वगैरह के जो पैकेट्स हैं वो कलेक्ट करने के लिए हम आए हुए हैं। आप सोच सकते हो, छोटे छोटे बच्चों के पैकेट्स कलेक्ट करने के लिए हम एक स्कूल में आए हैं, वो भी हॉन्टेड स्कूल। कितनी यार लाचारी आ गई है हम पर। बच्चों ने छोड़े हुए पैसे को लेने के लिए एक हॉन्टेड स्कूल में तक हम आ गए हैं। लालच भाई लालच, कितना लालच है। हॉन्टेड स्कूल में हम आ गए हैं। इस हॉन्टेड स्कूल के बारे में आपको बता देता हूँ। इस हॉन्टेड स्कूल में लोगों ने ये कहा है कि यहाँ पर एक भेड़िया घूमता है। एक भेड़िया है यहाँ पर जो कि इंसानों को खा जाता है, यानी कि मानव को खाने वाला एक भेड़िया, यानी कि आदमखोर भेड़िया यहाँ पर घूमता हुआ लोगों को दिखाई दे। अब लोगों को दिखाई दिया, लोगों ने हमें कहा कि इस स्कूल में एक मानव को खाने वाला, इंसान को खाने वाला भेड़िया है, फिर भी हम इस स्कूल में आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं? तो पैकेट्स को कलेक्ट करने के लिए आए हुए, वो भी छोटे छोटे बच्चों ने या फिर टीचर्स ने छोड़ के गए हुए पैकेट्स को लेने के लिए हम आए। उन पैकेट्स के साथ कुछ नोटबुक वगैरह भी मिल जाएंगी लड़कों की, वो भी हम कलेक्ट कर लेंगे और रद्दी में भेज देंगे। और जो वो हॉन्टेड भेड़िया है, यानी कि इंसानों को खाने वाला भेड़िया, उस भेड़िया से भी हमें बचना है यहाँ पर, क्योंकि अगर वो आ जाएगा तो शायद वो दोस्तों आ गया है कहीं तो आसपास घूम रहा। हमें छिपना होगा दोस्तों, हमें जल्दी से छिपना होगा क्योंकि ना वो यहाँ पर आ गया है। सो इस क्लासरूम में हम छिप जाते हैं। शायद वो दोस्तों यहाँ पर बाहर ही घूम रहा, आपको आवाज़ आ रही होगी, आप सुन सकते हो उसकी आवाज़। शायद वो इसी कमरे के बाहर छिपा हुआ है। दरवाजा खुल गया इस क्लासरूम का। जल्दी से इस कमरे में छिप जाते हैं। दरवाजा बंद हो गया, दरवाजा दोस्तों अपने आप खुल गया था। शायद किसी प्रकार की ना यहाँ पर आत्मा भी है। ये जो एक मीट का टुकड़ा हमें मिला है, शायद ये जब भेड़िया अगर आसपास हमारे आ जाएगा तो हम इस मीट के टुकड़े को फेंक सकते हैं, ताकि जो भेड़िया है उस मीट के टुकड़े को खाने में बिजी हो जाए। शायद फिर से यहाँ पर ना भेड़िया आने लगे। आप देख सकते हो लाइटें वगैरह ना बंद चालू होना शुरू हो गई है। यहाँ से उस क्लासरूम से हम इस क्लासरूम में आ गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं कि कुछ काम का मिलता है या नहीं मिलता है। वहाँ पर एक मीट का टुकड़ा मिला है, सो इसे भी हम उठा लेते हैं। यह हम भेड़िए को फेंक देंगे, खिला देंगे भेड़िए को। दोस्तों दरवाजा अपने आप खुल गया है, दरवाजा अपने आप खुल गया है। दोस्तों दरवाजे अपने आप खुल रहे हैं। बहुत ज्यादा डरावना हो गया है दोस्तों ये गेम। इस गेम का नाम दोस्तों आय है। आय की जो भेड़िया की लेवल है, जो स्कूल की लेवल है, वो स्कूल की लेवल अभी हम खेल रहे हैं। थोड़ा सा ना वहाँ पर चले जाते हैं, या इस क्लासरूम से। इस क्लासरूम में हमने ऑलरेडी देख लिया है, सो अब यहाँ पर जाकर देखते हैं। यहाँ पर कुछ ये एग्जिट है, एग्जिट है, एग्जिट है। यहाँ नहीं जाना है, भेड़िया बाहर खड़ा है। यहाँ पर जाकर देखते हैं। यहाँ से ये दूसरी एग्जिट है। अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। दोस्तों भेड़िया बाहर ही घूम रहा है, इस क्लासरूम के बाहर ही भेड़िया घूम रहा है, क्योंकि आप आवाज़ सुन सकते हो भेड़िया की। वो आया हुआ है, बाहर ही है। अब हम बाहर कैसे जाएं? हमें तो पैकेट्स कलेक्ट करने और यहाँ से भागना है। दरवाज़ा बंद हो जा, दरवाज़ा खुला पड़ा है, दरवाज़ा बंद हो जा। शायद वो जो भेड़िया है वो बाहर ही घूम रहा है। बहुत ज्यादा डरावना, थक गई है मेरी। देखते हैं थोड़ा सा और आगे पीछे क्या होता है। यहाँ से भागना ही पड़ेगा दोस्तों। वो भेड़िया आ गया, शायद उसने हमें देख लिया है, देख लिया हमें। रन का सिंबल आ गया था। शायद वो इसी कमरे के बाहर भेड़िया खड़ा है। वो देखो, देखो दोस्तों, दिखा आपको भेड़िया? दिखा? थोड़ा सा आगे चला गया ना मैं, और थोड़ा सा ना थोड़ा आगे जाए। ये तो मैं दरवाज़ा खोल के ना आपको दिखाता हूँ उस भेड़िया को। यहाँ से वो चला गया है भेड़िया। इस साइड भी नहीं है और इस साइड भी नहीं। थोड़ा सा शायद वो भेड़िया दूर चला गया है। ये कुछ तो दोस्तों मिला है इसे, ये कुछ साइन मिली है यहाँ पर। उस साइन को हम देख लेते हैं। वेट फ्लोर कॉशन। यहाँ से पैकेट मिला, इस पैकेट को भी मैंने कलेक्ट कर लिया। यहाँ से इस दरवाजे को खोल कर देखते हैं।
इसे भी खोल लेते हैं। शायद वो भेड़िया दूर चला गया है, सो हम जल्दी जल्दी ना फटाफट फटाफट ये सब जो कैबिन्स है इस कैबिन्स को खोल खोल कर हम जल्दी जल्दी सामान वगैरह कुछ मिलता है सो वो कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जल्दी जल्दी हमें भागना होगा, क्योंकि वो भेड़िया आदमखोर भेड़िया है। आ गया आ गया, शायद आ गया, फिर से आ गया। ये दोस्तों एक वॉशरूम में हम आए हुए हैं, अभी उस भेड़िए से बचकर इस वॉशरूम में हम छिपने के लिए आए हुए हैं। शायद वो भेड़िया दोस्तों बाहर ही घूम रहा है। आ गया है वो, मैं आपको दिखाता हूँ भेड़िया कहाँ से आया। दोस्तों आ गया आ गया, भेड़िए ने दोस्तों हमें खा लिया है। दोस्तों आपने देखा था उस भेड़िए ने हमें खा लिया था, तो मैंने लेवल को फिर से शुरू किया है। लेवल दोस्तों बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। यहाँ से पैकेट्स हम ढूंढते हैं, बाकी के पैकेट्स। यहाँ से एक पैकेट मिला, यहाँ से दूसरा मिला। हमें जल्दी जल्दी पैकेट्स ढूंढने और यहाँ से ना दोस्तों भागना है हमें। यहाँ पर आ गए, यहाँ पर ये मीट का टुकड़ा मिला, उस मीट के टुकड़े को मैंने कलेक्ट कर लिया है। ये मीट के टुकड़े को फेंकेंगे तो शायद वो भेड़िया जो इसे खाने में बिजी हो जाएगा और हम यहाँ से भाग सकते हैं। यहाँ पर एक टेप रिकॉर्डर मिला है। अच्छा गाना है, ABCD शायद ये सिखाने के लिए गाना है, इन्होंने रखा हुआ है यहाँ पर एक टेप रिकॉर्डर। शायद इसे सुन सुन कर बच्चे लोग हैं यहाँ पर जो है वो ABCD सीखते होंगे। मज़े यार, हमारे टाइम पर ऐसा कुछ नहीं था। तो दरवाज़ा बंद हो जा। यहाँ पर दोस्तों एक आय मिली है, वो आय को मैंने कलेक्ट कर लिया है। आय का दोस्तों यूज़ ये होता है कि हमें पता चलता है कि जो घोस्ट यहाँ पर है, यानी कि इस लेवल में जो भेड़िया है, वो भेड़िया अभी कहाँ पर है, उसकी पोजीशन हमें पता चलती है। सो मैं आपको दिखाता हूँ क्लिक करके, मैंने क्लिक किया है। अभी दोस्तों शायद ये भेड़िया जो है हमारे ही फ्लोर पर घूम रहा है। सो अगर हम बाहर जाएंगे तो भेड़िया हमें मिल जाएगा, खा जाएगा। इसे देख लेते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है। इसमें देख लेते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है। यहाँ पर एक पैकेट हमें मिला है, टोटल 2 पैकेट हमारे पास हो गए हैं। टोटल दोस्तों 12 पैकेट्स हमें कलेक्ट करना है। इस आ गया आ गया आ गया आ गया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। जल्दी जल्दी दरवाज़ा बंद हो जा। भेड़िया दोस्तों आ गया, बाहर ही घूम रहा है। सो यहाँ से ये पैकेट को मैंने कलेक्ट किया और फिर सारे दरवाजे अपने आप खुल गए भैया। यहाँ से शेड आ गया मैं भाई। अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो। जब भी दोस्तों बेल बजती है ना, तो सारे जो दरवाजे हैं ना वो अपने आप खुल जाते हैं। बहुत डरावना है। यहाँ पर कुछ एक बुक है, उस बुक को शायद हम पिक कर सकते हैं या फिर नहीं। ये जो एक बुक मिली है, ब्लैक नोटबुक, द ह्यूमन हुज नेम इज रिटन इन दिस नोट शाल डाई प्रोबेबली सम स्टूपिड प्रैंक। कुछ नहीं है, शायद वो बाहर ही आया है, बाहर ही घूम रहा है भेड़िया। सो यहाँ पर हम आते हैं। ये क्या है, पियानो लग रहा है किसी टाइप का, बाहर ही घूम रहा है वो भेड़िया। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों उस भेड़िए को, बाहर जाकर हम ना थोड़ा सा देखते हैं किस तरह से बाहर जा पाते हैं या फिर इस साइड भी नहीं है, इस साइड भी नहीं है। जब बेल बजती है तो दरवाजे अपने आप खुल जा रहे हैं। यहाँ से इसे ले लेते हैं, यहाँ से इसे ले लेते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर इसे ले लेते हैं, इसे खोलते हैं, इसे खोलते हैं। यहाँ पर देखते हैं कुछ काम का है या फिर नहीं है। सो नहीं है काम का। सो यहाँ से शायद जो भेड़िया है वो नीचे गया हुआ है, शायद वो ना ऊपर आ रहा है अभी। पता नहीं ये कैसा सीन है, शायद वो नीचे गया हुआ है यहाँ से और अभी वो ऊपर आ रहा है। शायद आपको आवाज़ आ रही होगी उस भेड़िया की गुर्राने की, गुर गुर ऐसे खुआ खुआ। थोड़ा सा यहाँ वहाँ, ज़रा यहाँ वहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर तो नहीं दिखाई दे रहे, गुर्राने की आवाज़ तो आ रही थी उसकी। अब वो किस साइड है वो पता नहीं है। ये बहुत डरावना दोस्तों, जब भी बेल बजती है ना तो सारे दरवाजे खुल जाते हैं, हम छुप भी नहीं सकते दोस्तों। दरवाजे भाई बंद हो जा।
आया हुआ है, फिर से आया हुआ है, भेड़िया आया हुआ है दोस्तों यहीं पर। यहाँ पर एक आई मिली है, उस आई को मैंने कलेक्ट कर लिया है। ये इनकी कंप्यूटर लैब है, आप देख सकते हो यहाँ पर ना बहुत सारे कंप्यूटर रखे हुए हैं। इस स्कूल की कंप्यूटर लैब है जिसके कंप्यूटर अपने आप चल रहे हैं। यहाँ पर एक बोर्ड है, यहाँ पर ये है, ये बहुत सारा सामान यहाँ पर है। सो बाहर जाकर देखते हैं। रन का सिंबल आ गया दोस्तों, वो शायद बाहर ही घूम रहा है भेड़िया। बाहर ही है भेड़िया। थोड़ी देर यहाँ पर हमें वेट करना होगा ताकि जो भेड़िया यहाँ से चला जाए, क्योंकि अभी जाने के लिए मेरी फट रही है। दरवाजे खुल गए, बेल बज गया, दरवाजे खुल गए, सारे दरवाजे खुल जा रहे हैं, बेल बज रही है। तो बाहर जाकर देखते हैं कि भेड़िया दिखाई देता है या फिर नहीं दिखाई देता है। थोड़ा सा आगे जाकर ना ढूंढते उस भेड़िया को। भेड़िया को ढूंढना नहीं है, हमें पैकेट्स ढूंढने हैं। तो ऊपर भी एक फ्लोर है, ऊपर के फ्लोर पर जाकर देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। ये उस स्कूल का ऊपर का फ्लोर है। यहाँ पर ना दोस्तों एग्जिट डोर है, शायद जब हम ये 12 पैकेट्स को कलेक्ट कर लेंगे तब यहाँ से हम एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पर और एक पैकेट मिला, पैकेट मैंने कर लिया। ये इस ड्रॉवर, ये जो ड्रॉवर ये भी हाईलाइट हो रहा है। इसके अंदर देखते हैं, मीट का टुकड़ा मिला है इसके अंदर भी। यहाँ पर आते हैं, इसको ढूंढते। 8 पैकेट्स टोटल दोस्तों हमने कलेक्ट कर लिया, 9 पैकेट्स हो गए हैं हमारे। ये कौन सा एरिया है? और एक पैकेट यहाँ पर हमें मिल गया, उस पैकेट को भी कलेक्ट कर लिया है। ये दोस्तों लाइब्रेरी है शायद, यहाँ पर ना बहुत सारी बुक्स वगैरह हैं। शायद वो आ गया है यहाँ पर, इसी फ्लोर पर दोस्तों वो शायद भेड़िया आ गया है। नीचे जाऊं या नहीं जाऊं? ये तो एग्जिट डोर है। यहाँ पर क्या लिखा है? मेन ऑफिस है, रीडिंग रूम है, यानी कि ये जो एरिया है ये रीडिंग रूम है। तो यहाँ पर ना वो भेड़िया आ सकता है। थोड़ा सा यहाँ पर ना हम खोजबीन करते हैं कि कुछ मिलता है या फिर नहीं मिलता है। यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर एक मीट का टुकड़ा मिला है और यहाँ पर एक पैकेट भी मिल गया। टोटल 11 पैकेट्स दोस्तों हमने कलेक्ट कर लिए हैं। थोड़ा सा और ना आगे जाकर ना थोड़ा सा ढूंढते हैं ये कौन सा डोर है, इसके अंदर जाकर देखते हैं। ये वही है दोस्तों, मेन ऑफिस है, आप देख सकते हो ना, मेन ऑफिस है ये, मेन ऑफिस लिखा है। सो मेन ऑफिस के अंदर जाते हैं। यहाँ पर हम ऑलरेडी आ गए हैं, सो हमें ना दूसरी जगह जाना होगा। सो अब हमें ना थोड़े से और पैकेट्स, और एक पैकेट हमें कलेक्ट करना है। सो थोड़ा सा हम नीचे जाकर देखते हैं, भेड़िया ना मिले तो अच्छा है, क्योंकि वो भेड़िया बहुत ज़्यादा डरावना खा जा रहा है। शायद यहीं कहीं पर वो है। तो यार यहाँ पर जाऊँ या ना जाऊँ? जाना तो पड़ेगा, लालच जो है पैकेट्स कलेक्ट करने की, जाना तो पड़ेगा ही। पैकेट्स कलेक्ट करने की लालच जो आई हुई है, नीचे जाऊँ या ना जाऊँ? वो भेड़िया इस फ्लोर पर है या फिर किसी और फ्लोर पर है? यहाँ पर थोड़ा सा जाकर देखते हैं कि यहाँ पर कुछ पैकेट्स वगैरह मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं। यहाँ पर नीचे जाकर देखते हैं दोस्तों, पैकेट्स वगैरह किसी टाइप के हमें कुछ मिलता है या फिर नहीं मिलता है। यहीं पर, यहीं आसपास कहीं तो भेड़िया तो घूम रहा है। अब ये ऊपर से आ रहा है या नीचे से आ रहा है नहीं पता है। ऊपर के तो दोनों फ्लोर हमने घूम लिए थे, तो शायद ये नीचे से ही आ रहा है, यानी कि यहाँ से ही ये आ रहा है, पर आवाज़ तो बंद हो गई है। आवाज़ तो बंद हो गई है। तो ना थोड़ा सा और मैं ना आगे जाकर देखता हूँ इसे, पैकेट्स कलेक्ट करने ना हमें। ये बहुत डरावना गेम है। थोड़ा सा और अंदर जाकर देखता हूँ, दरवाजे तो खुल गए। अब ये फिर से ऊपर जाने का साइन आ गया है यहाँ पर। वहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर दोस्तों और एक पैकेट मिल गया है। सो टोटल
12 पैकेट्स कलेक्ट करने थे, 12 पैकेट्स हमने दोस्तों कलेक्ट कर लिए। सो अब ना इस गेम को हम एग्जिट कर सकते हैं, यानी कि टॉप सेकंड फर्स्ट फ्लोर पर जो दोस्तों आपने देखा था, ये अभी हम बेसमेंट में हैं। फर्स्ट फ्लोर पर आपने दोस्तों देखा था वहाँ पर ना एक एग्जिट डोर था, शायद उसी एग्जिट डोर से हमें यहाँ से भागना है। सो जल्दी जल्दी जाते हैं और ऊपर जाने वाला जो रास्ता है उस रास्ते को हम ढूंढते हैं। सो यहाँ से हम ऊपर जाते हैं। अभी आवाज़ आ रही है भेड़िया की, है कहाँ? क्योंकि हमने सारे फ्लोर से देख ली, भेड़िया दिखाई नहीं दिया। कहीं तो छिप कर ये भेड़िया बैठा हुआ है, हमारी राह देख रहा है। वहाँ पर जाते हैं थोड़ा सा और। दरवाजे, बहुत डरावना है। ऊपर जाने का रास्ता शायद यहीं से है। अब यहाँ से जाते हैं हम ऊपर, देख देख कर जाना पड़ रहा है। यहाँ से एक आग लग की, कोई तो यहाँ से ना भाग के गया है। आप भी जस्ट ये मेन ऑफिस है इनके, यहाँ पर हम ऑलरेडी आ चुके हैं। अब यहाँ से यहाँ पर जाते हैं। एग्जिट डोर यहीं कहीं एग्जिट डोर था, मैं भूल गया हूँ एग्जिट डोर कहाँ था। यहीं कहीं पर एग्जिट डोर था शायद, उस साइड है। उस साइड से जाकर देखते हैं कि वहाँ पर कोई एग्जिट डोर वगैरह है या नहीं। ये तो ये आवाज़ कहाँ से आने लग गई? शायद ये जो दोस्तों इस पर क्लिक करने से ना आवाज़ आती है। फिर से दिखाता हूँ मैं, ओ ऐसी आवाज़ आती है। इस पर क्लिक करने से आवाज़ आती है। ये शायद वॉशरूम है, शायद ये वॉशरूम है। लॉक है सारे। यहाँ पर हमें एक पैकेट मिला और जो भेड़िया है उस भेड़िया का खाना भी यहाँ पर हमें मिला हुआ है। सो इससे खोलते हैं, इसे खोलते हैं। पैकेट्स तो दोस्तों हमने सारे कलेक्ट कर लिए, 12 पैकेट्स कलेक्ट करने दे। वो 12 पैकेट्स तो हमने कलेक्ट कर लिया। अब ना यहाँ से ना हमें एग्ज़िट लेना है। एग्ज़िट डोर कहाँ पर था? या आई पर क्लिक कर देता हूँ आपको ना, मैं दिखाता हूँ। भेड़िया किस फ्लोर पर? शायद ये दोस्तों फर्स्ट फ्लोर है, यानी कि अभी जो हम फ्लोर पर है ना वही फ्लोर मुझे लग रहा है। सो वहाँ पर जाऊँ या फिर ना जाऊँ, जाकर ही देखते हैं। मर गए तो मर गए, फिर से लेवल स्टार्ट हो जाएगी। है तो डरावना ये गेम। फिर से नीचे जाना होगा क्या? अब भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। खा गया, खा गया, खा गया, खा गया। दोस्तों ये गेम आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बता, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चाहते हो कि इस गेम को मैं फिर से खेलूं और इस गेम को कंप्लीट करूं तो प्लीज कमेंट करके बताएं।